Zamanın bakları canlı! Beşmer! Zamanın bakları canlı sar! Beşmer! Nehmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd fa'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. आज की तकरीब के मेजबान शेख फारूक जरगर साहब आपके मेरे 2 करोड़ के करीब कश्मीरियों के तर्जमान मेरे कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब स्टेज के ऊपर पीटीआई के तमाम जुम्मा और पंडाल के अंदर मेरे दोस्त मेरे बुजुर्ग साथी सबको आज है दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके साथ साथ अजान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसा कि आज के ये शमूलियती प्रोग्राम जो फारूक जरगर साहब के इजाज में उनकी तरफ से बल्कि मेजबानी में हुआ आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि 40 साल इस हल्के के अंदर हुक्मरानी करने वाले वो कनेली यूनियन काउंसिल को मिनी लाड़काना कहते थे आज इस स्टेज की वसादत से बैरिस्टर साहब आपको मुबारकबाद देता हूं कि ये मिनी लाड़काना नहीं ये बनी गाला बन चुका हुआ है और मैं उन तमाम दोस्तों का गुड़जुन से सहार से दुर्जुन से और दीगर इस यूनियन काउंसिल के बंगेरा से जितने लोग तशरीफ लाए उन सब का मशहूर हूं और आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह ताला अजीज ये सीट पीटीआई की नौशता दीवार बन चुकी हुई है और ये सारी जमातें जैसा मेरे कायद इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर एक 11 रुकनी पीडीएम बना था यहां भी तमाम जमातें एक दूसरे को ये कह रही हैं कि अगर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दे दें नून लीग को दे दें किसी और जमात को दे दें लेकिन पीटीआई को वोट ना दें मैं आपको ये बता देना चाहता हूं तब्दीली की हवा चल चुकी है और इंशाल्लाह ताला अजीज हर घर से बंदा निकलेगा पीटीआई और इंशाल्लाह पल्ले के ऊपर मोर लगाएगा और 26 जुलाई का सूरज पीटीआई की फतह लेके आएगा मेरे कायद दर्श सुल्तान महमूद चौधरी इंशाल्लाह ताला अजीज आजाद कश्मीर के वजीर आजम बनेंगे आज अपने तमाम दोस्तों को ये बता देना चाहता हूं कि जिस सफर का आगाज आज से 6 साल पहले बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क्यादत में हमने पीटीआई की शक्ल में शुरू किया था आज वो काफिला इतना बड़ा हो चुका है कि बच्चा बच्चा आजाद कश्मीर का ये कह रहा है कि आने वाली गवर्नमेंट पीटीआई की है आने वाली आखिर में बहुत जल्दी में बातें करना चाहता था लेकिन वक्त की किल्लत के बायस आखिर में सिर्फ इतना चाहूंगा कि मेरे दोस्तों ये सीट आज मैं अपने कायद को तोहफे की शक्ल में दे रहा हूं और ये सीट आज तक अपने साथ लेके जा रहे हैं आप तमाम भाइयों का आप तमाम दोस्तों का इस देश की वसादत से सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि 25 तारीख को 25 जुलाई को बाहर निकले पल्ले पे मोर लगाए ये काम आप करें उसके बाद ये शख्स आपसे वादा करता है अगले 5 साल ये शख्स आपको देगा कि जो आज फारूक जरगर साहब के साथ गुड़जुन से दोस्त शामिल हुए डुड़जुन से हुए सहार से हुए उन सबको खुश आमदेद कहता हूँ और आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो वस्सलाम। अब मैं अपने